गवर्नमेंट का ये जल्दी सॉल्यूशन जब तक नहीं देगा आम जनता साथ नहीं होगा ना। देखो गाइस कैपिटल बन पूरा आज पूरा बन रहा है, गाड़ी एक भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं ऊपर भी। सो गाइस यहाँ पे भी देखो रास्ता में पूरा ये सब गिरा है, गाड़ी नहीं जाने देने के लिए। सो गाइस वहाँ पे सब खड़ा हुआ है, चलो जाकर देखते हैं आगे, देख सकते हैं आगे सब खड़ा हुआ है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सब रुका हुआ है पब्लिक, यहाँ पे कुछ आग भी जलाया हुआ है, कुछ टायर जलाया हुआ है, यहाँ पे सब पब्लिक रुका हुआ है, देख सकते हैं। ओ आगे तक देखो ये कुछ सामान लेके आ रहा है जलाने के लिए, इसको जला देगा। शाम को ले लो अभी नहीं होगा। अभी एक तो आ रहा है। ये गाड़ी वापस जा रहा है तो अभी इसको भी वापस भेज देगा। तो यहाँ पे अभी आग जला दिया, देख सकते हैं। तो ये गाड़ी इमरजेंसी पैसेंजर बोल रहा है, तो इसलिए उसको जाने दे रहा है। ये गाड़ी का पैसेंजर इमरजेंसी है बोल रहा है, इसलिए जाने दे रहा है इसको। देख सकते हैं अपने भी काफी भीड़ भाड़ है, वो ऊपर में भी है। यहाँ पे एक गाड़ी है, सब लोग वापस जा बोल रहे हैं। तो भगा रहे, वापस भगा दिया उसको। एक गाड़ी देखने से सब पब्लिक हिट हो जाता है। सो गाइस देखते हैं पुलिस पार्टी आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं ये पुलिस गाड़ी जाएगा बोल रहा है, जाने नहीं दे रहा है। जाने मत दो, वापस जाओ।
वापस चला गया अधिकारी। यहाँ पे मीडिया भी आ गया, कैपिटल न्यूज का मीडिया। और जिस तरह से बंदोल अब तक रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। आप अपनी आवाज तो जलाते रहेगा रखने पर भी साथ जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हम लोग आज यहाँ पे जो साथ दे रहा है, नो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल कलर में नहीं देखना है। मैं एक इस पेरेंट का जो पेरेंट का हिसाब से मैं आए हैं, और जैसे जो ईटानगर में जो हमारा पुलिस जो ऑफिसर लोग जैसे जो किया गया है, बिल्कुल ये मैं कंडेम करता हूँ कि ये जस्ट सरकार का जो मुख है, सरकार लगा के ही हमारा लोग को ऐसे धमकी देने दे रहा है, मारने दे रहा है, पीटने दे रहा है। और पुलिस ऑफिसर ये नहीं सोचना है कि हम आज पावर में हैं, हम ये करेगा, और जनता का जो आवाज को रुकने का चक्कर में मत काटिए। क्योंकि देखिए, ये जो आज का जो बनकोल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मालिक नहीं है, हम सब मालिक है। जिसका जो पेरेंट, जो बेटा बेटी, जिसका जो बेटा बेटी है, जिसका जो फ्यूचर है, और ना सिर्फ विभिन्न रास्ता फ्यूचर के लिए जो सोचने वाला है, हम सब आए हैं। हमको कोई बुलाने वाला नहीं है। मेरा कुछ बेटा है, मेरा कुछ भाई लोग है, इसलिए मैं यहाँ जो आया है कि स्पेशली जो ईटानगर में जो आज सुबह जो घटना देखा है ना, मैं बिल्कुल दिल से नहीं मानेगा और कल को भी नहीं मानेगा। और सरकार को क्यों ऐसे काम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल जनता का आवाज को रुकने का चक्कर मत कीजिए। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या पुलिस प्रशासन ईटानगर राजधानी क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की कथित पुतली बनते जा रही है? ये तो पेमा खांडू का कर्मचारी है ना, ये पेमा खांडू ने जो लगाया है ना, बामंग फिलिक्स ने जो लगाया है, अमर और नचल को बिकने के चक्कर में कर रहा है ना। जैसे आप जिस प्रकार से आप एक चेयरमैन बनाने जा रहा है, वो एक साल का बाद रिटायर होने वाला, ऐसे को चेयरमैन बनाता, उसमें दिखाई दे रहा है ना करप्शन क्या, उसका थ्रो से, उसका माध्यम से लाख करोड़ माने लूटने का चक्कर में सकर कर रहा है। इसलिए जस्ट उसको बचाएगा और उसको आज एनिंग टेकिंग लेने देगा, उसके बाद करोड़पति इन लोग लूटेगा, ये चक्कर है। थैंक यू सो मच कैप्टन न्यूज़ का जुड़ने के लिए। और बाकी हम प्रोटेस्टर्स से भी हम आएगा तो कौन आएगा, वो मिनिस्टर एमएलए आके सिर्फ पर्ची करेगा, नाच करेगा, गाना गाएगा होगा, पूरा पब्लिक कोई भी नहीं जाएगा उधर, हम लोग बॉयकॉट करेगा। आपको शांति से कर रहे हैं ना बंद को? नहीं, शांति से कर रहे हैं, एकदम पीसफुल। बच्चा जॉइन स्टेयरिंग कमेटी, उसमें ऐसा बच्चा लोग है जो IIT से मास्टर करके आया है, वहाँ से MTech करके आया है, इसलिए टॉपर लोग है उनका CBSE। और मेरा अपना बैच ये वहाँ में लिख बना दादर साहब, तो वो तो IIT से मास्टर किया हुआ था। हमारे निसी इलाई सोसाइटी का वो नेस में भी वो टॉपर था, VK भी टॉपर था। ऐसा बच्चा को वहाँ से UPSC कोचिंग लेने के बाद या तीन साल पूरा धूप के पढ़ाई किया, कहीं भी नहीं हिल के पढ़ाई किया, तो हम लोग तो अपना बच्चा को इसलिए गाइड करता है ताकि वो कुछ काबिल बन जाओ ना, कुछ काबिल बन जाओ। तीन चार साल वो कोचिंग लेके बैठता है, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है। तो ऐसा बच्चा आज वहाँ में धरना कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो हम लोग ये दिन देखने के लिए हम लोग बैठा है। तो खरीदने वाला खरीद रहा है, तो वो जो वो लोग पढ़ाई किया है उसका क्या, बचपन से एज ए पेरेंट हम लोग जो गाइड करके आया है, पढ़ लिख के ही कुछ बनो, तो हम लोग तो गरीब आदमी का बच्चा है, तो पढ़ लिख के ही हम लोग कुछ बन सकता है, ये विश्वास के साथ हम लोग मिथुन बिक्री करके, सब्जी बिक्री करके, लकड़ी बिक्री करके हम लोग अपना बच्चा को पढ़ाता है। तो सरकार ये चीज को ध्यान नहीं देके नौकरी को बेचने दे रहा है, और CBI क्या कर रहा है, आपसू क्या कर रहा है, और आपसू वाला बोलता है कि ये इतना एज वाला, हम सुना है कि आपसू का कोई स्पीकर है, वो बोल रहा है कि वो भी एस्पायरेंट है, MLA एस्पायरेंट है, MLA एग्जाम देने आएगा क्या? हाँ,
और आप सो में ऐसा लड़का लोग है जो सारा तुम लोग मार्केट में चंदा मांग के घूमता है, आप सो का लड़का लोग कम से कम ये स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए जो काम करना चाहिए वो चीज आप लोग नहीं कर रहा है, तो क्या चीज के लिए आप सो ये कर रहा है? मार्केट में चंदा मांग के घूमने के लिए बेहतर है क्या बेशरम आप सो लोग? तो पब्लिक एल्डर हम लोग बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, और हम ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेगा, बहुत ज्यादा हम लोग एज ए पेरेंट एज ए बड़ा भाई हम लोग सेंटीमेंट को हर्ट किया है ये सरकार भी और ये आप भी, तो कहा कैसे चुप रह गया हम लोग को समझ में नहीं, पक्का कुछ ना कुछ पैसा तो खाया होगा तभी तो चुप बैठता है, इलेक्शन का समय में इतना प्रोमिस करता है कि ये करेगा वो करेगा, और नाबाम दो जी बोलता था स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यू में कभी भी पीछे नहीं रहे, वो कहाँ चला गया ये वो तना दो जी कहाँ चला गया वो तना दो जी तुम वहाँ आराम से पूरा मुंह फूल के बदन पूरा हेल्दी होके तुम घूम रहा है हा? या वहाँ में भूखा पैसा रात दिन नहीं सो के बच्चा लोग पिछला 6 महीना से शांति से नहीं बैठ के सरकार का साथ बात करने के लिए ट्राई कर रहा है, कितना बार बात करें, बात करने का भी तो एक लिमिट होता है ना, तो ये चीज है हम लोग बहुत ज्यादा एज ए पेरेंट हम लोग भी नाराज है, नहीं तो आज हम लोग यहाँ सड़क में आना भी नहीं था ना, तो मेरा बात नहीं है बहुत ज्यादा नाराज है। बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए साथो यस यस आगे बोलो कोई देख रहा है तो निकलो, आज से शुरुआत करेगा हम लोग चलते रहेगा ये काम जब तक क्लियर नहीं करेगा चलते रहेगा। वैसा भी गर्म है और ऊपर से ऐसे मार खाया सुबह बुलाई थी और हमारा लड़का भी बुलाई थी, अभी तो हिसाब से बोले हम लोग गर्म होना हम लोग का कूल करना आप लोग तो देखते हैं हम लोग हमला करना अटैक करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग भी नहीं हम लोग पीसफुल करना है, हम लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल है हम लोग को ये सब करना नहीं, हम लोग अपना राइट्स मांग रहे हैं तो राइट्स में ही रहेगा, हम लोग यहाँ कोई हंगामा करेंगे Tana Doji! Tana Doji!